Hello friends, this is Dr. Bakul Dev from Unacademy Studios Placebo और ये हमारा ठीक 3 बजे वाला सेशन है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं 11th का पूरा सिलेबस हम लोग कॉम्प्रहेंसिवली एग्जॉस्टिवली कवर कर रहे हैं। 1st अगस्त से हमने बच्चों ये कोर्स लॉन्च किया था और इस कोर्स में हम 4 सेशन पहले ले चुके हैं, आज हमारा 5वां सेशन है। आज वाले सेशन में हम फाइलम प्रोटोजोआ को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा क्विज भी है इसमें, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने पीछे जो टीम दिखाई दे रही है इसको देख लो, ये इस वक्त नीट और एम्स के लिए बेस्ट अवेलेबल टीम है और अनएकेडमी स्टूडियोज प्लेसेबो इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट एंड एम्स। मैं जल्दी से आपको जरा टाइमिंग बताता चलूं। अमित सर हमारी टीम में हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर हैं, बॉटनी के बहुत लंबे वक्त से पढ़ा रहे हैं, ये शाम 5 बजे और रात 11 बजे बॉटनी के लिए क्लासेस ले रहे हैं। आशुतोष गौरव सर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे। आनंद सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको सुबह 10 बजे रात को 10 बजे। मेरे 2 सेशंस होते हैं दोपहर 3 और शाम को 7 बजे जिसमें हम 12th का पोर्शन कवर कर रहे हैं। ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं जो शाम 4 बजे और 6 बजे जिनकी क्लासेस होती हैं। रोहित मालव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे। ठीक है, तो इस टीम से जुड़े रहिए, ये बहुत ही वंडरफुल, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत टैलेंटेड एजुकेटर्स की टीम है जो आपको नीट और एम्स से रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस एग्जॉस्टिवली कवर करवाने वाली है। अपने बारे में बताता चलूं जल्दी से, मायसेल्फ डॉक्टर बकुल देव, मैं जयपुर से हूं और लगभग 15 सालों से मैं मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। 12,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उनमें से मोर देन 2,500 स्टूडेंट्स अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए हैं। 6 बार ऐसा हुआ है जब मेरे स्टूडेंट्स ने AIR फर्स्ट अचीव की अलग अलग ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स में, तब जबकि एग्जाम अलग अलग हुआ करते थे, अब सिंगल विंडो एग्जाम हो चुका है जैसा कि आप जानते ही हैं, दैट इज नीट। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इस वक्त आप जानते हैं ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल पोर्टल है और इस पर बहुत ही टैलेंटेड एजुकेटर्स का एक पूल है, एक पूरी टीम है, एक पूरा ग्रुप है जो कलेक्टिवली आप सब लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। अलग अलग एजुकेटर्स अलग अलग टाइम स्लॉट पर अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो आप अपने एजुकेटर को अपने अकॉर्डिंगली, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली, अपने फेवरेट टॉपिक के अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एज दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए इस टीम के साथ में। आगे हम चलें, उससे पहले जरा अनअकैडमी प्लस के बारे में बताता चलूं बच्चों। अनअकैडमी प्लस का एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एट द अर्लीस्ट प्लस के प्लेटफॉर्म से जुड़ें, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत से एडेड एडवांटेज मिलने वाले हैं। जैसे हर क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाते हैं, हर 4th लेक्चर डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन होता है जिसमें एक एक स्टूडेंट के सारे डाउट्स इंडिविजुअली कवर किए जाते हैं और पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप कभी भी जाकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, फिर से उनको रीएनालाइज कर सकते हैं। 30 आवर्स से ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग डेली यहाँ पर होता है, मोर देन 31+ टॉप एजुकेटर्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस हैं। इस एक्सपीरियंस को जरूर लीजिए आप। ये जो प्लेटफॉर्म अभी हम जिसके जरिए बात कर रहे हैं बच्चों, ये है अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो, लेकिन प्लस का एक्सपीरियंस लीजिए आप और प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अचानक से बढ़ जाने वाला है। जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं या जिन्होंने अभी 12th क्लियर कर लिया है, आई वुड रिकमेंड 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर देम, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर देम, और इसका फीस बच्चों कुछ भी नहीं है, दैट इज 25,000 ओनली। और इसमें भी अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं, इसको अच्छे से याद कर लें, दैट इज बकुल 10, तो आपका फी 10% और कम हो जाने वाला है, दैट इज 22,500 विच इज नथिंग अगेंस्ट व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, आपको जो कंटेंट, आपको जो टीम मिलने वाली है उसके अगेंस्ट में ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। और जो बच्चे अभी क्लास 11th में आए हैं और जिन्होंने अपना गोल बिल्कुल सेट कर लिया है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, नीट और एम्स को बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाकर के सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है, ये एम, ये लक्ष्य जिसने निर्धारित कर लिया है, जिसने फिक्स कर लिया है 10th के बाद 11th में आते ही, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा
they must opt for 24 month subscription. Or iska fee bachchon bahut hi kam hai. 1 year subscription was 25,000, 2 year subscription just 40,000. Aur jo ek code aapko yaad rakhna hai, referral code Bakul 10, usko aapko yahan bhi apply karna hai aur aapka fee ho jane wala hai 36,000. प्लस पर अभी दो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं. दोनों कोर्सेज के बारे में जल्दी जल्दी आपको बताता चलूं. एक कोर्स बच्चों लॉन्च हुआ है एसेंड फॉर क्लास 12th, दैट इज नीट एंड एम्स, जिसमें जैसे अभी प्लेसेबो स्टूडियो पर अगस्त के पूरे महीने में हम सारा 12th का सिलेबस पढ़ने वाले हैं और अगस्त के मंथ में 12th कंप्लीट करने वाले हैं क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में. वहां पर 12th का सिलेबस एग्जॉस्टिवली चल रहा है एसेंड कोर्स के अंदर. और जो टीम यहाँ अवेलेबल है, मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, रोहित मालव सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आशुतोष गौरव सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अमित दीक्षित सर आपको वहां पर बॉटनी पढ़ा रहे हैं. डेली हम लोगों के फिक्स स्लॉट हैं, क्लासेस होती हैं. आप आइए, ज्वाइन कीजिए और प्लस के एक्सपीरियंस को लीजिए. और बच्चों, जो कोर्स पर्सनली मैंने वहां पर लॉन्च किया हुआ है, दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन जूलॉजी फॉर ड्रॉपर्स. इस कोर्स में 11th और 12th दोनों ही सालों का जूलॉजी का जो पोर्शन है उसको मैं एग्जॉस्टिवली कवर करवा रहा हूं. वहां पर भी अभी यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट चल रहा है आपका एनिमल किंगडम, फिर उसके बाद में धीरे 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 11th के बाद में 12th का पूरा पोर्शन हम कवर करने वाले हैं. तो इन दोनों कोर्सेज को आप चूज कीजिए, इनको आप पिक कीजिए, इनको आप सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी प्लस से जुड़िए. दैट इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू. इस प्लेटफॉर्म पर तो हम खैर मिलते ही रहेंगे, रोज मिलते हैं, ठीक है? तो प्लस पर भी आइए, आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए जी, अब हम हमारे आज के सेशन पर आते हैं. और सेशन पर आए उससे पहले जरा मैं देख लूं कि कौन कौन बच्चे यहां पर आ चुके हैं. कल का हमारा क्लास जो था वो किसी वजह से लाइव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं मॉनिटर कर रहा था आप सब लोगों के कमेंट्स. आप सब लोग यहां पर अवेलेबल थे और आप सब लोगों ने सेशन भी प्रॉपरली अटेंड किया था. अभी मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे आ गए हैं. शेख उमर, जुडेकुला रेशमा, तन्वीतु, रविनाश झा, प्रियंका बालासुब्रमण्यम, सूर्यभान वीरम, अनिल सरकार, तेजपाल टाक, एम के नायक, विजय, सूर्यभान, वेदांता. एम के नायक कह रहे हैं सर आपका कंटेंट एम्स के लिए है क्या? ये नीट और एम्स दोनों के लिए सफिशियंट है. एम्स में भी इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, नीट में भी कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? उसके बाद सूर्यभान वर्मा है, साक्षी किरण है, और भी बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो आप आते जाइए. नीति प्रिया, ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, आप आते जाइए क्लास में. मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं. जरा देख लो जल्दी से हम अब तक क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं. हमने एनिमल किंगडम के बेसिक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इस सेशन में पढ़ना स्टार्ट किए थे बच्चों. और जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उन पर जरा एक बार नजर डाल लो. हैबिटेट्स, जिसमें दो तरह के हैबिटेट हमने पढ़े, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक में तीन तरह की चीजें हमने पढ़ी थी, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर. फिर उसके बाद में नेक्टॉन, न्यूस्टॉन, लॉटिक, लेंटिक, बैंथिक, ठीक है, प्लैंकटॉन, ये सारे टर्म पढ़े थे. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आर्बोरियल है, फोसोरियल है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी. फिर हमने हैबिट्स पढ़ी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली अपना पूरा का पूरा लाइफ स्पेंड करते हैं, फ्री लिविंग जिनको हम कहते हैं, सॉलिटरी जो अकेले रहते हैं, कॉलोनियल जो कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रेगेरियस जो बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस की. फिर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड. इंपॉर्टेंट इनमें से दो थे, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक एंड सेल ग्रेड, जो कि आपको अच्छे से याद रहने चाहिए हमेशा. फिर बच्चों हमने तीन तरह के बॉडी प्लान डिस्कस किए थे, दैट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. पूरे एनिमल किंगडम में बस ये तीन ही बॉडी प्लान एग्जिस्ट करते हैं. सेगमेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि भाई मेटामेरिज्म और स्यूडो मेटामेरिज्म में डिफरेंस क्या है. बॉडी में नया सेगमेंट अगर आगे से ऐड हो रहा है या पीछे से ऐड हो रहा है, सारे सेगमेंट फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड हैं या नहीं हैं, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था. सिमेट्री हमने पढ़ा, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, रेडियली सिमेट्रिकल कौन से हैं,
स्फेरिकली सिमेट्रिकल कौन कौन से हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल कौन कौन से हैं, रेडियल सिमेट्री के सब टाइप्स भी हमने डिस्कस किए, सिंपल रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री और पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। और कल वाले सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज सीलोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की यूटिलिटी क्या है, बॉडी कैविटी किन में मिलता है और बॉडी कैविटी कितने टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बॉडी कैविटी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर डिवाइडेड इन थ्री मेजर कैटेगरीज, दैट इज एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, यूसीलोमेट। और फिर यूसीलोमेट के हमने दो टाइप डिस्कस किए थे, दैट इज शाइजोसीलोमेट एंड एंटेरोसीलोमेट। यहां तक का सारा सेक्शन हम बच्चों अच्छे से पूरा पढ़ चुके हैं। अच्छा, अविनाश झा क्या कह रहे हैं, क्या पूछा है बेटा आपने? अविनाश मेरे को देखने दो, आपका क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अविनाश। आप एक बार फिर से टाइप करके दीजिए, आप लिख रहे हैं आपने कुछ स्किप कर दिया है। सक्षम कह रहे हैं सर आप क्या पढ़ा रहे हैं आज क्लास में? लो देखो मैं आपको बताता हूं क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। आओ, व्हाट वी विल लर्न टुडे, हीमोसील के बारे में पढ़ेंगे, सिफिलाइजेशन पढ़ेंगे, अपेंडेजेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन का बेसिक चार्ट पढ़ेंगे और फिर प्रोटोजोआ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आप लोग क्या करेंगे, आप इस सेशन को भी देखते जाइए और रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। मैं हर 5 से 10 मिनट के बाद आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिस्पॉन्ड कर सकूं, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकूं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद हीमोसील। देखो हीमोसील टर्म से हमें क्या समझ में आता है बच्चों, हीमो टर्म जहां भी आता है उसका मतलब होता है ब्लड। तो हीमोसील का सीधा सा मतलब क्या हो गया, ब्लड फिल्ड कैविटी। लेकिन इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं। यूजुअली हीमोसील अपीयर होता है बच्चों आर्थ्रोपोड्स में और मॉलस्क में। ठीक है जी, तो मैं आपके लिए एक सिंपल आउटलाइन बनाता हूं आर्थ्रोपोडा के किसी मेंबर का, मान लीजिए कॉकरोच है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक सिंपल आउटलाइन हो गया। ये मान लीजिए कि कॉकरोच मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ये इनका जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, कॉकरोच जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये हेपेटिक सीका हैं। ठीक है जी, अब बॉडी कैविटी का डेफिनेशन तो आप पढ़ी चुके हैं ना, बॉडी कैविटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, माने कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच वाली जो जगह है, दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम। ठीक है जी, तो अब इनिशियली तो ये पोजिशन होती है बच्चों कि This is lined on either side by mesoderm, कि भाई इधर भी mesoderm है body wall के नीचे भी और ये गट के चारों तरफ भी क्या है बच्चों, mesoderm। ठीक है साहब, तो अब ये जो cavity यहां form हो रही है ना, अब इस कैविटी को तो हम क्या कहेंगे, ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम, बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज लाइंड ऑन ईदर साइड बाय मेसोडर्म। ये जो लाइनिंग मैंने ड्रॉ की है ये मेसोडर्म की है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है बच्चों वो क्या समझना है, हाँ आपको क्या समझना है अब कि अब एक्चुअली इस सीलोम का होगा क्या, दिस इज ट्रू सीलोम, अब क्या हुआ जब डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ इनका आर्थ्रोपोड्स का, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये कैविटी रिड्यूस होती जाती है। ठीक है जी, तो अब डेवलपमेंटल प्रोसेस के बाद की जो सिचुएशन है उसका एक डायग्राम मैं यहां और बना देता हूं आपके लिए,
ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के बाद की सिचुएशन है जिसमें ये इनका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये इनका मीजेंट्रॉन हो गया, ये इनका हाइंडगट या प्रोक्टोडियम हो गया, ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हमने पहले ड्रॉ किए थे, ये हेपेटिक सीका। अब मान लो कि ये मेल है, एज्यूम करो ये मेल है या ये फीमेल है, ठीक है। और मेल में मैं ये कहूं कि ये इसके टेस्टिकल्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है जी। फिर इनके डक्ट्स वगैरह होंगे, डक्ट्स की बात हम नहीं कर रहे, दीज आर द टेस्टिकल्स। अब एज्यूम करो कि ये जो सीलोम हमने बनाया है, ये ट्रू बॉडी कैविटी जो हमने बनाया है, सपोज इट इज रेस्ट्रिक्टेड, कहने का मतलब ये साइज में रिड्यूस होना स्टार्ट करे, छोटा होता जाए, और छोटा होकर के अल्टीमेटली ये केवल गोनेड्स के चारों ओर आकर के कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है जी। ये पूरा रिड्यूस होता गया, रिड्यूस होकर के केवल गोनेड्स के चारों तरफ आ गया। मैं उस डायग्राम में भी गोनेड्स बना दूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन न रहे। सपोज दीज आर द टेस्टिकल्स, अब इधर से भी कैविटी और इधर से भी कैविटी, ये रिड्यूस होते होते अल्टीमेटली गोनेड्स के चारों तरफ आकर के कंस्ट्रिक्ट हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है जी। जब ये दोनों गोनेड्स के चारों तरफ आकर के कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो अब जो स्पेस बच गया पीछे, देखो जरा, अब यहां पर ये जो स्पेस बच गया, ये बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस तो है, दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, तो ये स्पेस तो है यहां, लेकिन अब इसके दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है। आ गई बात समझ में? और इस स्पेस में क्या भरा रहता है? पूरे स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है जिस फ्लूइड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है जी। तो अब ये जो बॉडी कैविटी वाली, नई वाली बॉडी कैविटी बनी, इसको हम क्या कह दें? हीमोसील। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हीमोसील का लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। लिटरल मीनिंग क्या हो गया? ए कैविटी विच इज फिल्ड विद ब्लड, दैट विल बी नोन एज हीमोसील, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि इसमें दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है। तो जब मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है, तो हीमोसील को किस कैटेगरी में रखें? फॉल्स बॉडी कैविटी। और फॉल्स बॉडी कैविटी या स्यूडोसीलोम में अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि स्यूडोसीलोम और फॉल्स बॉडी कैविटी इज नथिंग बट रेमिनेंट और वेस्टिजियल कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियोनल ब्लास्टोसील। एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो ब्लास्टोसील बना था, उस ब्लास्टोसील का रिड्यूस्ड वर्जन, उसका रिड्यूस्ड पार्ट क्या है? हीमोसील। तो पहली चीज, इट इज फॉल्स बॉडी कैविटी। दूसरा, इट इज रेमिनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है अच्छे से, हीमोसील से रिलेटेड। देखता हूं किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास आया है। नीति प्रिया, कालिदास, विजय, तन्वी, नीति प्रिया कह रही है इनवर्टिब्रेट लाइक इंसेक्ट, बिल्कुल ठीक है नीति प्रिया, इधर सराउंडेड बाय मीजोथीलियम। मोहम्मद शमीम अख्तर कह रहे हैं आपकी क्लास करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आप इतने फंडामेंटल से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मेरा काम ही यही है बच्चों, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करना। प्रीतम कह रहे हैं सर टिश्यू का चैप्टर पूरा करवा दीजिए, बिल्कुल करवाएंगे अभी, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। रेमिनेंट ऑफ ब्लास्टोसील, तो मेरे ख्याल से अब हीमोसील का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, हीमोसील इज अ ब्लड फिल्ड कैविटी, पॉइंट वन, इट इज यूजुअली फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। थर्ड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स एज वेल एज इन मोलस्क्स, द ट्रू बॉडी कैविटी इज कन्फाइंड और रेस्ट्रिक्टेड अराउंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द रिमेनिंग स्पेस लेफ्ट इन द बॉडी इज फिल्ड विद द ब्लड, द ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ
and this cavity is known as hemolymph. So because it is not lined on either side by mesoderm, still there is a space. The space has to be termed as false body cavity, and a false body cavity is nothing but remnant of embryonal blastocele. So aap isko corroborate karenge kisse pseudocelome se. Hemocele basically is a type of pseudocelome or false body cavity. Theek hai bachcho? Vijay keh rahe hain mera question. Vijay batao kya question hai jaldi se, main dekhta hu aapka question. Tab tak aage chalte hain. Agla hamara chhota sa topic hai syphilization. सिफिलाइजेशन में क्या है देखते हैं, अभी आपको डिस्कस करते हैं. तन्वी तूर आप कहां जा रही हैं, अभी क्लास में बनी रहिए, अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. शमीम कह रहे हैं एवरीथिंग इज क्लियर, नो डाउट, ओके. विजय कह रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है. विजय जल्दी से अपना क्वेश्चन टाइप कर दो जिससे मैं उसको पढ़ के रिप्लाई कर सकूं. मीन वाइल मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करता हूं सिफिलाइजेशन. देखो इसका जो लिटरल मीनिंग है. अच्छा ये मैं बताता चलूं आपको कि ये छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम प्रोटोजोआ जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले आज क्विज होने वाली है, तो जरा अटेंटिवली बैठिए. सिफिलाइजेशन का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड. कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हेड के डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या कहलाता है, सिफिलाइजेशन. अब जरा हम लोअर एनिमल्स को एक सीक्वेंस से देखना शुरू करें, थोड़ा सा उनके बारे में रिकॉल करें उनको. देखो सबसे प्रिमिटिव फाइलम आता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में सारे यूनिसेल्यूलर हैं, तो हेड टर्म का मतलब ही बेमानी हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका. उसके बाद आप आगे चलते हैं स्पॉन्जेस में, तो स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का एक एंड चिपका हुआ है सबस्ट्रेटम से, दूसरे एंड पर ऑस्कुलम है, बट स्टिल देयर इज नो स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग विद हेड. इस वजह से भी नहीं है क्योंकि वहां पर नर्व सेल ही नहीं है, तो हेड तो बहुत दूर की बात है. तीसरा जो फाइलम आता है बच्चों वो है सीलेंट्रेटा. तो सीलेंट्रेटा में नर्व सेल तो अपियर हो गए, न्यूरॉन तो अपियर हो गए, हालांकि वो डेवलप्ड नहीं है, वो सब मिलकर एक डिफ्यूज्ड नर्व नेट बनाते हैं. कोई सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर उनमें नहीं है, लेकिन नर्व सेल फिर भी आ गए. लेकिन इसके बाद भी हाइड्रा में या जेलीफिश में कभी हेड टर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं. कॉम्ब जेलीज को देख लें तो कॉम्ब जेलीज में भी हेड टर्म का यूज नहीं करते. प्लेटीहेलमिंथ्स में हम जाते हैं तो भी हेड टर्म का यूज नहीं करते, एस्केहेलमिंथ्स में भी नहीं करते, एनेलिड में भी नहीं करते. सबसे पहली बार डिस्टिंक्टिव मैनर में हेड टर्म का यूज हम कहां करते हैं, आर्थ्रोपोडा में. जब हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोड्स में कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू थ्री स्ट्रक्चर्स, दैट इज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. तो ट्रू सेंस में हेड पहली बार कहां जाकर के बनता है बच्चों, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में. उससे पहले हेड जैसा स्ट्रक्चर कहीं पर भी अपीयर नहीं हुआ है. लेकिन ये जो प्रोसेस है सिफिलाइजेशन का, ये स्टार्ट किस फाइलम से होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझ लो जरा. हम जो एक ग्रुप पढ़ते हैं, ये डायग्राम मैंने बहुत बार आपके लिए बनाया है पहले भी, दैट इज टेप वर्म, जिसमें ये स्कॉलेक्स है, फिर ये सकर्स हैं, फिर नेक है, नेक के बाद बॉडी के सेगमेंट स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये जो एंटीरियर पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसे हम कह रहे हैं स्कॉलेक्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी के एंटीरियर एंड पर हेड से रिजेंबल करता हुआ एक स्ट्रक्चर बना. हालांकि ये हेड नहीं है ट्रू सेंस में, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दैट सिफिलाइजेशन इज इनिशिएटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, द आंसर वुड बी प्लेटीहेलमिंथीज. सो सिफिलाइजेशन स्टार्ट्स from phylum Platyhelminthes, but a distinct head appears for the first time in Arthropoda. आर्थ्रोपोडा में जाकर के वो ट्रू सेंस में हेड बना.
देखो आर्थ्रोपोडा में और भी बहुत सारी चीजें सबसे पहली बार आई हैं, केवल हेड की बात नहीं। आर्थ्रोपोडा से पहले के जितने, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको, आर्थ्रोपोडा से पहले के जितने भी फाइलम है ना, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा, यहां तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म को हम देख लें, इनमें रिसेप्टर तो मिलते हैं। जैसे मान लो कि एनेलिड्स हैं तो उनमें कीमो रिसेप्टर मिलेंगे, टेक्टाइल रिसेप्टर मिलेंगे, ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन विजन की कैपेसिटी नहीं होती। एनेलिडा में फोटो रिसेप्टर भी होते हैं, लेकिन वो फोटो रिसेप्टर एट द मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है। विजन की कैपेसिटी नहीं होती। आई के जैसा स्ट्रक्चर, चीजों को देखने की कैपेसिटी, इमेज फॉर्मेशन की कैपेसिटी पहली बार आर्थ्रोपोड्स में डेवलप होती है, एंड इट कोइंसाइड्स विद द अपीयरेंस ऑफ हेड। हेड बनने से क्या होगा कि नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा, सेंट्रलाइज होगा, और उसकी रेगुलेटरी कैपेसिटीज डेवलप हो जाएंगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। मैं देखता हूं जरा विजय ने कोई क्वेश्चन लिखा कि नहीं। विजय मेरे पास अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आया है। एलिना कह रही है बकुल सर इज एंट आर्थ्रोपोड, बिल्कुल चींटी है, इंसेक्टा में आती है, इंसेक्टा या हेक्सापोडा, और हेक्सापोडा आर्थ्रोपोडा का ही क्लास है। इनफैक्ट पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा। सुमित ठाकुर मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया टर्म कहां यूज होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की तरफ कहीं भी नर्वस टिश्यू का एग्रीगेटेड मास बने तो उसको हम कह देते हैं गैंग्लिया। आ रही है कि नहीं बात समझ में। कई बार ब्रेन में भी ये टर्म यूज करते हैं, लेकिन वहां हम न्यूक्लियाई टर्म को प्रेफर करते हैं इन जनरल। तो कहीं पर भी एग्रीगेटेड मास बनेगा नर्वस टिश्यू का, जहां से हो सकता है कि नर्व्स भी डेवलप हो रहे हो, तो उस एग्रीगेटेड मास को हम क्या कहेंगे, गैंग्लिया। ठीक है ना सुमित, मेरे ख्याल से आपको आपका आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए जी आगे चलें। अब एक और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं बच्चों? जैसे मैं हमारी बॉडी में बात करूं तो हाथ और पैर, इनको हम अपेंडेजेस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे क्वाड्रीपिडल लोकोमोशन जिन एनिमल्स में होता है तो उनके अंदर टेल जो है वो भी अपेंडेज के अंदर आता है। यानी कि ये तो हमारी प्रिंसिपल बॉडी हो गई और ये हमारे अपेंडेजेस हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अपेंडेज कहेंगे किसे, क्योंकि बेसिकली है तो ये भी बॉडी का ही पार्ट ना भाई, हाथ और पैर भी हमारी ही बॉडी का पार्ट है, तो इनको अपेंडेज क्यों कहा? Why they are not true body? True body में consider क्यों नहीं करते appendage को? इसके लिए आपको appendage का meaning पता होना चाहिए, appendage का concept आपको अच्छे से clear हो, ठीक है ना? चलो तो मैं तुमको समझाता हूं appendage का meaning क्या है। देखो body के इस हिस्से को हम देखें तो इस हिस्से में cavity होती है, thoracic cavity। फिर नीचे चलें तो एक cavity होता है abdominal cavity। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले पोर्शन में होता है पेल्विक कैविटी। देयर आर कैविटीज, मतलब बॉडी कैविटीज हैं। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो बच्चों प्रिंसिपल बॉडी या एक्चुअल बॉडी, बॉडी के उस हिस्से को कहा जाएगा जहां बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है जी? और जिन हिस्सों में बॉडी कैविटी एक्सटेंड नहीं करती, रिपीट कर रहा हूं, जिन हिस्सों में बॉडी कैविटी एक्सटेंड नहीं करती, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं अपेंडेजेस। तो मैं क्या लिख दूं, बॉडी कैविटी डज नॉट एक्सटेंड इन अपेंडेजेस। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि टेल, जैसे कि फोरलिम्ब, जैसे कि हाइंड लिम्ब, ठीक है ना? और
इसके साथ एक और चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। जैसे अगर अपेंडेजेस हमारी बॉडी में नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। ये ऑर्गन्स अगर हमारी बॉडी से डिटैच भी हो जाएं तो सर्वाइवल चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि सारे के सारे वाइटल ऑर्गन कहाँ हैं? प्रिंसिपल बॉडी में। ये बॉडी के एक्सटेंशंस हैं, हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स हैं। आ गई बात समझ में? बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। जैसे आप फिश को देखेंगे तो फिश का जो पूरा का पूरा बॉडी है वो बॉडी कैविटी ही है, पूरा एक जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब नहीं है, फिश सर्वाइव करता है। स्नेक में नहीं है फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब, स्नेक सर्वाइव करता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, दो चीज़ें आपको याद रखनी है अपेंडेज टर्म के लिए। पहला टर्म तो ये, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि इनमें बॉडी कैविटी एक्सटेंड नहीं करता, फर्स्ट। और सेकेंड वाली चीज़ क्या याद रखनी है आपको, ये हमारे सर्वाइवल के लिए या लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे? अपेंडेजेस। तो जहां भी अपेंडेज टर्म काम में आए उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। निशा धीर कह रहे हैं सर आप मेरा डाउट तो क्लियर कर दो। निशा कह रही है सर एक्सप्लेन दिस अगेन। बेटा क्या डाउट आपने पूछा है मेरे को वापस से लिखो तो एक बार, तो मैं आपको बता पाऊं। विजय कह रहे हैं कैविटी होती है क्या हैंड में? नहीं होती ना कैविटी। शमीम अख्तर कह रहे हैं पैरापोडिया अपेंडेजेस हैं? बिल्कुल हैं। पैरापोडिया है या आर्थ्रोपोड्स के अंदर आप ले लें लेग्स, आर्थ्रोपोड्स में आप ले लें एंटनी, आर्थ्रोपोड्स में आप ले लें एनल सर्काई, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बॉडी के एक्सटेंशन है लेकिन जिनमें बॉडी कैविटी एक्सटेंड नहीं करती। तो उन सबको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? अपेंडेजेस। चलिए अब जरा अटेंटिवली बैठ जाइए, मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाने वाला हूं और इस चार्ट में मैं बहुत सी चीजें आपसे पूछूंगा भी, क्योंकि ये चार्ट जो हम बनाएंगे ये कुछ बेसिस पर हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। इसमें किस बेस पर डिवीजन हुआ है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद हम फाइलम प्रोटोजोआ का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो जरा, लेट मी फॉर्म ए चार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया। यहां मैं लिखता हूं किंगडम एनिमेलिया। ठीक है बच्चों? अब एनिमल किंगडम को सबसे पहले हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इनिशियली वी डिवाइड इट इन टू मेजर ग्रुप्स। अच्छे से समझ लेना इस चार्ट को, ये बहुत जरूरी है। वन ग्रुप इज नोन एज प्रोटोजोआ, अनदर ग्रुप इज नोन एज मेटाजोआ। अब बच्चों ये डिवीजन किस बेस पर हुआ? ये पहला डिवीजन है। देखो एनिमल किंगडम को इनिशियली हम डिवाइड कर रहे हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। अब ये डिवीजन किस बेस पर हुआ है ये भी समझ लो। प्रोटोजोआ में कैसे ऑर्गेनिज्म आए? यूनिसेल्यूलर। और मेटाजोआ में कैसे ऑर्गेनिज्म आए? मल्टी सेल्यूलर। ये पहला डिवीजन हो गया। ठीक है साहब, बिल्कुल क्लियर है। चलिए जी आगे चलें। अब हम मेटाजोआ को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, यानी जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। पहले ग्रुप को हमने कहा बच्चों पैराजोआ और दूसरे ग्रुप को कहा यू मेटाजोआ। किनको डिवाइड किया है? मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स को। अब ये वाला डिवीजन किस बेस पर हुआ कि मल्टी सेल्यूलर तो ये दोनों हैं लेकिन इनमें टिश्यूज नहीं बनते और इनमें टिश्यूज बनते हैं। ठीक है जी, अब चलिए इससे आगे। ये सारे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लेना। अब यू मेटाजोआ को हमने फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है
और इस बार हमारे डिवीजन का बेस क्या है, सिमेट्री। तो एक ग्रुप को हमने लिखा रेडिएटा और दूसरे को लिखा बाइलेट्रिया, और ये अपने नाम से ही क्लियर है कि इनमें तो रेडियल सिमेट्री है और ये वो हैं जिनमें बाइलेट्रल सिमेट्री है। ठीक है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। अब चलो बाइलेट्रिया को फिर से डिवाइड करते हैं, और इस बार हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। पहला ग्रुप हम लिखते हैं बच्चों प्रोटोस्टोमिया, और दूसरा ग्रुप लिखते हैं बच्चों ड्यूटेरोस्टोमिया। और इनका मीनिंग भी आप सब लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा बिल्कुल अच्छे से। प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या हुआ, व्हेन द ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू माउथ, ये हम पढ़ चुके हैं। और ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब हो गया व्हेन द ब्लास्टोपोर गिव्स राइज ईदर टू एनस और टू क्लोएका। समझ में आ गई बात यहां तक। अब फाइनल सेगमेंट पर पहुंचते हैं बच्चों। प्रोटोस्टोम्स में तीन ग्रुप्स आएंगे बड़े, और ये तीन ग्रुप किस बेसिस पर आएंगे, देखो पहला ग्रुप आया एसिलोमेटा, दूसरा ग्रुप आया स्यूडोसिलोमेटा, और तीसरा ग्रुप आया यूसिलोमेटा माने कि ट्रू सिलोम। लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे यूसिलोमेट ही होते हैं, कहने का मतलब उनमें फॉल्स सिलोम मिलता ही नहीं है, ट्रू ही मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इधर जो यूसिलोम है, ये वाली यूसिलोम तो है शाइजोसिलोम, और इधर वाली यूसिलोम है एंटरोसिलोम। ठीक है जी, यहां तक का हम एक बेसिक वो पढ़ चुके हैं। रेडियल बायलेटरल सिमेट्री हेल्प्स इन लोकोमोशन इन नैरीज, नैरीज लोकोमोटरी। बेटा विजय कह रहे हैं कि हैंड में कि बोन में भी कैविटी होती है, ऐसे तो कैविटी किसी भी स्ट्रक्चर में मिल सकता है। मैंने क्या कहा, जहां बॉडी कैविटी एक्सटेंड नहीं करती, और बॉडी कैविटी या सिलोम का डेफिनेशन मैं पढ़ा चुका हूं ना आपको, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल दैट इज बॉडी कैविटी। अब बोन के अंदर जो कैविटी है दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। व्हाट आई मीन टू से दैट बॉडी कैविटी डज नॉट एक्सटेंड इन अपेंडेजेस, किसी भी अपेंडेज में बॉडी कैविटी नहीं मिलेगा आपको। आ गई बात समझ में, हम किसी भी और कैविटी की बात नहीं कर रहे हैं। विजय मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए जी, अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये जो डिवीजन्स हमने पढ़े इनमें से कौन कौन से डिवीजन में हम कौन कौन से फाइला डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से बताई देता हूं आपको, इसमें हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। पहला जो फाइलम हम पढ़ रहे हैं वो यहीं पढ़ेंगे, यहां हम दूसरा फाइलम पढ़ेंगे पोरीफेरा जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं। रेडिएटा में हम दो फाइलम पढ़ेंगे, एक तो सीलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा को इंक्लूड किया जाता है बच्चों, और दूसरा टीनोफोरा जिसमें कॉम्ब जेलीज आते हैं। तो ये चार फाइलम हो गए। अब यहां आ जाइए एसिलोमेटा में हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमेंथीज, ये आपका पांचवा फाइलम हो गया। स्यूडोसिलोमेटा में हम पढ़ेंगे एसके हेलमेंथीज, और शाइजोसिलोमेटा में हम तीन फाइलम पढ़ेंगे
Annelida, Arthropoda, Mollusca. ठीक उसी तरीके से यहां भी तीन फाइलम पढ़ेंगे, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द लास्ट वन कॉर्डेटा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का बेसिक चार्ट बनके तैयार हो गया है। ठीक है, आइए अब आगे चले जरा। अब आज जो जो चीजें हमने पढ़ी है वो क्लियर है आपको, देख लो जरा। हीमोसील पढ़ा हमने, आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ हीमोसील इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ब्लड फिल्ड कैविटी आर्थ्रोपोड मॉलस्क में मिलता है, फॉल्स बॉडी कैविटी है, एम्ब्रियोनल ब्लास्टोसील का रेमिनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा कि आर्थ्रोपोड्स आर एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, शाइजोसिलोमेट, एंटरोसिलोमेट, द आंसर वुड बी शाइजोसिलोमेट, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में जो कैविटी है वो तो शाइजोसिलोम है। अभी जो चार्ट हमने बनाया ना बच्चों, ये देखो शाइजोसिलोमेट में हमने क्या लिखा है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में बॉडी कैविटी कैसी होती है, इसका आंसर तो होगा ट्रू बॉडी कैविटी। लेकिन बच्चों आपसे अगर ये पूछा जाए कि हीमोसील क्या है, तो आप आंसर करेंगे फॉल्स बॉडी कैविटी। ठीक है ना, दो अलग अलग चीजें हो गई, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में जो ट्रू बॉडी कैविटी है दैट इज कन्फाइंड अराउंड गोनेड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ कन्फाइंड हो जाती है, बाकी जगह नहीं मिलती। और हीमोसील जो है दैट इन एक्चुअल सेंस इज फॉल्स बॉडी कैविटी। फिर हमने पढ़ा सेफेलाइजेशन, तो दो चीजें आपको याद रखनी है। स्टार्ट हो जाता है बच्चों प्लेटी हेलमेंट से, लेकिन डिस्टिंक्ट हेड सबसे पहली बार जाकर के किस में बनता है, आर्थ्रोपोडा में। एपेंडेज आप समझ गए, जहां बॉडी कैविटी एक्सटेंड न करता हो। और फिर हमने ये क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाया है। ये चार्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत सारे जनरल करेक्टर्स आपको इस चार्ट से याद हो जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द जनरल करेक्टर जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको इस चार्ट से क्लियर हो जाने लगेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे चलें। इसके बाद अब छोटी सी क्विज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। क्विज जब कंप्लीट होगी फिर हम फाइलम प्रोटोजोआ पर चलेंगे। तो सब लोग रेडी हो जाएं, बी अटेंटिव, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्मॉल क्विज जो हम कल वाले सेशन में डिस्कस नहीं कर पाए थे। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, अब इसको जरा अच्छे से देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सब लोगों को आंसर करना है जल्दी जल्दी, और मैं ये देखता हूं कि कौन कौन बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कर पाता है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू सिमेट्री, द फर्स्ट ऑप्शन इज पाइला, सेकेंड इज हर्डमेनिया, थर्ड इज ल्यूकोसोलेनिया, फोर्थ इज लेपिस्मा। और जल्दबाजी में आंसर मत देना मुझे। अब देखता हूं जरा क्या हो रहा है। तन्वी कह रही है फर्स्ट, निशा धीर कह रही है पहला, विजय कह रहे हैं वन, प्रियंका कह रहे हैं वन, एलेना कह रही है वन, अभिषेक कह रहे हैं वन, अनिक सरकार कह रहे हैं थ्री। बिल्कुल नहीं, अटेंटिवली नहीं देख रहे हो आप। केवल एक आंसर मेरे पास सही आया है अभी तक, चलिए बताता हूं आपको। अभी देखो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली सही आंसर क्या है। पाइला ये क्या है, स्नेल। स्नेल का मतलब क्या है, गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, इनमें सिमेट्री नहीं होती। मॉलस्क का तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप है गैस्ट्रोपोड जो एसिमेट्रिकल होते हैं। हर्डमेनिया, हर्डमेनिया है सी स्क्वर्ट, ये किसमें आता है, यूरोकॉर्डेटा में, और ये भी कैसा है, एसिमेट्रिकल, इसमें भी सिमेट्री नहीं होती। ल्यूकोसोलेनिया क्या है, स्पंज। स्पंज किसमें आते हैं,
पोरीफेरा में और स्पॉन्जेस में भी सिमेट्री नहीं होती, तो ये भी एसिमेट्रिकल। लेपिस्मा क्या है? सिल्वर फिश। ये किस में आता है? इंसेक्टा, या मैं कहूं आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री। तो अब देखता हूं मैं जरा, नो अरे भाई, सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू सिमेट्री। अब जाकर के आपने आंसर सही दिया है, जबकि ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो ऐसे बिल्कुल जल्दबाजी से जंप मत किया करो ऑप्शन पे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। अब ये तो आप जल्दी से बता दो जरा, क्योंकि ये तो मैंने क्लास में 4-5-6 बार 10 बार रिपीट किया है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 100% परफेक्ट सिमेट्री? स्फेरिकल, रेडियल, बायलेटरल? द फोर्थ ऑप्शन इज नो सिमेट्री इज 100% परफेक्ट। अभिषेक कह रहे हैं 4, एलेना 4, अभिषेक कह रहे हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं, अर्पित भारद्वाज कह रहे हैं 4, नीति प्रिया कह रहे हैं नाउ आई विल टेक टाइम। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो और फिर रिस्पॉन्ड करो। शोएब कह रहे हैं फर्स्ट। विजय कह रहे हैं फर्स्ट। एलेना कह रही है फर्स्ट। गेमिंग यो कह रहे हैं फर्स्ट। अब देखो, एक बच्चे ने स्फेरिकल लिख दिया ना, तो सबके सब फर्स्ट 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 किए जा रहे हैं और सबका आंसर गलत है तुम्हारा। देखो अब जरा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज 100% परफेक्ट सिमेट्री। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 100% परफेक्ट सिमेट्री का मतलब क्या है। हम क्या पढ़ते हैं सिमेट्री में? कि बॉडी इज डिवाइडेड इन टू आइडेंटिकल हाफ्स। जैसे स्फेरिकल पढ़ा या रेडियल पढ़ा या बायलेटरल पढ़ा, डेफिनेशन यही पढ़ते हैं ना, कि बॉडी इज डिवाइडेड इन टू आइडेंटिकल हाफ्स बाय एनी ऑफ द प्लेन ईदर पासिंग थ्रू सेंटर और एनी ऑफ द प्लेन अलोंग द रेडियस पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस और द मिड सेजिटल प्लेन। डेफिनेशन तो यही है कि आइडेंटिकल हाफ्स बने, यही है ना डेफिनेशन। तो ये जो आइडेंटिकल हाफ्स हैं, ये आइडेंटिकल हाफ्स 100% आइडेंटिकल होते हैं क्या एक दूसरे के? चाहे रेडियल सिमेट्री ले लें, चाहे बायलेटरल ले लें, चाहे कोई सी भी सिमेट्री ले लें, क्या ये पॉसिबल है कि जो दो हाफ्स बने वो 100% एक दूसरे की मिरर इमेज हो? जैसे मैं मेरी हमारी बॉडी की ही बात करूं, हमारी बॉडी को यहां से हमने काटा मिड सेजिटल प्लेन से, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ हो गया। अब लिवर हमारा राइट हाफ में आ गया, लेफ्ट में लिवर तो है ही नहीं। स्टमक हमारा लेफ्ट हाफ में आ गया, राइट में तो है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो किसी भी सिमेट्री के 100% परफेक्ट होने के लिए जरूरी क्या है? कि जो डिवीजन हम करें और उससे जो हाफ्स बने वो 100% मिरर इमेजेस हो एक दूसरे की, और 100% मिरर इमेजेस कभी नहीं बन सकती। सो नो सिमेट्री इज 100% परफेक्ट सिमेट्री, ऑल सिमेट्रीज आर इम्परफेक्ट। आ गई बात समझ में? द करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ। फोर्थ आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रियंका कह रही है 4। अब कुछ बच्चों ने 4 आंसर देना स्टार्ट किया है, चलो कोई नहीं। अब समझ में तो आ गया ना मेरे ख्याल से, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए अब आप लोगों को कि भाई परफेक्ट सिमेट्री का मीनिंग क्या है। चलो जी, अब इसका आंसर किसी को भी गलत नहीं देना है, जल्दी से आंसर कर दो इसका। एंटेरोसिलोम इज नॉट फाउंड इन स्टारफिश, टंग वर्म, सी हॉर्स, सैंडवर्म। जल्दी से आंसर करो, मैं अलग हट जाता हूं, देखो इस क्वेश्चन को जरा स्क्रीन पर।
दिलीप कुमार प्रजापति और आशीर्वाद सोनी कह रहे हैं कि फर्स्ट। शमीम अख्तर कह रहे हैं फर्स्ट। तन्वी कह रही है फर्स्ट। आज का क्विज तुम सब लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बेटा ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए। एलेना कह रही है थर्ड। विजय को पता नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। फराह खान कह रही है फर्स्ट। किमी जैन कह रही है फर्स्ट। प्रियंका बाला सुब्रमण्यम कंफ्यूज्ड हैं। फराह खान कह रही है काइनोडर्मेट। स्टारफिश, बच्चों आपसे पूछा क्या है, एंटेरोसीलोम इज नॉट फाउंड इन। चलो मैं पहले तुमको चार्ट दिखाता हूं, एक इस चार्ट को फिर से देखो। इस चार्ट में देखना जरा ये क्या लिखा है यहां पे, व्हाट इज दिस, एंटेरोसीलोम, यही लिखा है। यू सीलोमेटा में एंटेरोसीलोमेटा, और एंटेरोसीलोमेटा में तीन फाइलम आते हैं, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इन तीनों में सीलोम का टाइप कौन सा है, कौन सा है, एंटेरोसीलोम। और आप सब लोग आंसर क्या किए जा रहे हैं, ये स्टारफिश। अब स्टारफिश तो एकाइनोडर्मेटा में ही आता है ना, तो उसमें तो एंटेरोसीलोम होगा ही, आप ये आंसर कैसे दे रहे हैं। अब निशा धीर कह रही है सी हॉर्स। नीति प्रिया कह रही है फोर। केवल एक करेक्ट आंसर मेरे पास आया है अभी तक, और वो है नीति प्रिया का। वेरी गुड, अब जरा समझ लो इसको, मैं सबके बारे में लिखता हूं। स्टारफिश बिलोंग्स टू एकाइनोडर्मेटा। टंग वर्म बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा। सी हॉर्स, सी हॉर्स क्या है, बोनी फिश, बिलोंग्स टू कॉर्डेटा। एंड व्हाट इज सैंड वर्म, नरीज, नरीज किस में आता है, एनेलिडा। तो एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन तीनों में तो एंटेरोसीलोम होता ही है। एनेलिडा में सीलोम कौन सा है, शाइजोसीलोम। देखो जरा चार्ट को, शाइजोसीलोम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। सो द करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ, और केवल नीति प्रिया ने यह आंसर करेक्ट दिया है, बाकी किसी बच्चे ने कोई सही आंसर नहीं दिया है। अर्पित ने बाद में दिया है फोर, विजय ने भी अब दिया है फोर आंसर, प्रियंका फोर, चलो ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। लो अभी जो चार्ट दिखाया था ना आपको, उसी चार्ट से है ये क्वेश्चन। यू मेटाजोआ डज नॉट इंक्लूड, यू मेटाजोआ में इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया जाता, सिलेंट्रेटा, पुरीफेरा, टीनोफोरा, एनेलिडा, बताओ जरा। यू मेटाजोआ डज नॉट इंक्लूड, नीति प्रिया कह रही है पोरीफेरा, सेकेंड नजम खान थ्री, रिया फोर, एलेना वन, कोई टू कह रहा है, ज्यादातर बच्चे टू कह रहे हैं। ठीक है, इस केस में थोड़ा मैं कंसीडर करता हूं कि आपको याद रह गई चीजें। अभी हमने क्या पढ़ा था, किंगडम एनिमेलिया, उसको डिवाइड किया था दो में, दैट इज प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, फिर मेटाजोआ को दो में डिवाइड किया था, दैट इज पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। पैराजोआ जिनमें टिश्यूज नहीं बनते, जिनमें टिश्यूज बनते हैं, ठीक है जी। अब एक तो आ गया प्रोटोजोआ जो यू मेटाजोआ में इंक्लूड नहीं है, और दूसरा यहां आ गया माने कि पोरीफेरा। So the correct answer would be second. जिसने भी second answer दिया है, that is absolutely correct. चलिए जी आगे। ये अभी जो question पूछा था ना, अगर इस question का concept clear है आपको, enterocoelom is not found in,
तो इसको आप इमीडिएटली तुरंत रिप्लाई कर देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट एग्जिबिट ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट एग्जिबिट ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन. Which of the following exhibit in invertebrate? Nisha कह रही है why humans are deuterostomes. इसका आंसर दो फिर बताता हूं. Which of the following invertebrate exhibit deuterostomic condition? देखते हैं किस किस के आंसर आए. नीति प्रिया कह रही है 4, 4. निशा धीर कह रही है 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4. ठीक है, अभी कुछ ठीक लग रहा है मेरे को. ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. इनवर्टिब्रेट विच एग्जिबिट ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन. चलो जल्दी से चार्ट देख लो बच्चों फिर से. इस चार्ट से बहुत सारे आंसर मिलेंगे आपको. ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन किन में मिलेगी? ड्यूटेरोस्टोमिया में. और ड्यूटेरोस्टोमिया में हमारे पास तीन ही फाइलम है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो कॉर्डेटा तो अलग हो ही गए. हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ठीक है जी. और अब क्या बच गया? एकाइनोडर्मेटा. तो अकेला इनवर्टिब्रेट फाइलम कौन है? एकाइनोडर्मेटा. और अब एकाइनोडर्मेटा से इनमें कौन बिलोंग करता है? स्टारफिश. अच्छा, कटलफिश क्या है? सेपिया, जो किसमें आता है? मॉलस्का. सिल्वर फिश और क्रेफिश, ये दोनों किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा. ठीक है, तो ये हमारा आज का क्विज हुआ. अब बच्चों हम ठीक है. अभिषेक यादव कह रहे हैं सर मेरा नाम ही नहीं ले रहे. बिल्कुल आपका भी नाम लिया मैंने, ऐसी बात नहीं है अभिषेक. जो जो मेरे सामने नाम आ रहे हैं वो सारे नाम मैं लेते जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपका नाम नहीं ले रहा. कृष्णा सोलंकी, ठीक है, आप सब लोगों ने ठीक सही आंसर दिए हैं. चलो अब हम फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लें आज, या क्या करें, कल स्टार्ट करें इसको. 357 हो गए हैं. मेरे ख्याल से हम आज का सेशन कंक्लूड किए देते हैं. प्रोटोजोआ और पोरिफेरा दोनों फाइलम मैं आपको कल पढ़ाऊंगा. और जरा देख लो एक बार, हल्का सा आपको ग्लिम्प्स दे देता हूं मैं. प्रोटोजोआ के हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे पहले, फिर जो चार मेजर ग्रुप्स हैं, राइजोपोड्स जिसमें कि अमीबा को इंक्लूड किया जाता है, फ्लैजिलेट्स जिसमें युग्लिना को इंक्लूड किया जाता है, सिलिएट्स, ये वॉल्टिसेला है, बेल एनिमलक्यूल, उधर आपको पैरामीशियम दिखाई दे रहा है, स्पोरोजोन्स, मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम उसको इंक्लूड किया जाता है, फिर शेल्ड प्रोटोजोन का एक ग्रुप आता है रेडियोलेरियन और फोरामिनिफेरेंस का, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए कल पढ़ते हैं. अब कल शार्प 3 बजे आप आ जाइएगा. कल ऑफिशियली हम लोग सारे के सारे फाइलम सीक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था आज कंक्लूड हो जाता है 5 सेशंस में. और मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस भी बच्चे ने इन 5 में से कोई एक सेशन मिस किया है या 2 सेशन मिस किए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो सारे सेशन एक बार सीक्वेंशियली देख लें, क्योंकि इन 5 दिनों में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत बेसिक, बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो आपको पूरी अच्छी तरह से पता होनी ही चाहिए. और जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे की चीज़ें प्रॉपरली समझ भी नहीं पाएंगे. तो आप जितना जल्दी हो सके इन सारे सेशंस को एक बार क्लियर रिवाइज कर लें. कल से हम फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं और अब हम बहुत जल्दी चीजों को पढ़ेंगे. प्रोटोजोआ है, फिर पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटी हेलमिन्स हैं, एसके हेलमिन्स हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये नॉन कॉर्डेटा के फाइलम हो गए इनवर्टिब्रेट्स के, देन हेमिकॉर्डेट एंड फाइनली कॉर्डेट्स. सीक्वेंस में हम चलेंगे. ये थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक आपका एनिमल किंगडम का, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपको ऐसी बता पाऊं जिससे कि आपको एग्जाम्पल्स और जनरल कैरेक्टर्स के मतलब कंपेरेटिव जो एनालिसिस है वो आप कर पाएं और चीज़ों को थोड़ा आसानी से याद रख पाएं. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम डेली डिस्कस करेंगे. जैसे हम रोज़ एक छोटा सा क्विज करते हैं, ये हमारा क्विज भी कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा. तो कहीं मत जाइए, डेली 3 बजे एनिमल किंगडम
हम कंप्लीट करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, पूरा एनिमल किंगडम का सारा कंटेंट आपके पास आ जाएगा। और जो कंटेंट यहाँ मिल रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, न नीट में न एम्स में। अगली बात समझ में? तो इससे पहले कि हम आज का सेशन कंक्लूड करें, हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट, शेयर दिस लिंक एज मच एज यू कैन। ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस है, एक जब भी आप सेशन स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली उसको शेयर कर दिया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। दैट इज ऑल वी वांट फ्रॉम योर साइड। हम हमारी तरफ से जो एफर्ट कर रहे हैं बच्चों को तो कर ही रहे हैं, आपकी तरफ से जो सहयोग जो सपोर्ट हमें चाहिए वो केवल ये चाहिए। तो बिल्कुल इसको बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो, जितना ज्यादा इसको स्प्रेड कर सकते हो करो, लोगों तक इसको पहुंचाओ। जहां जहां बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए, उनके फंडामेंटल सबके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अनएकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करो, वहां आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। उसको सब्सक्राइब करो, एक कोड यूज करो बकुल10, 10% वहां पर स्कॉलरशिप लो। और एक्सपीरियंस अगर किसी ने नहीं लिया है विदाउट सब्सक्रिप्शन, एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो जो स्पेशल क्लासेस वहां ऑर्गेनाइज होती है उनको जा करके ज्वाइन करो। मैं खुद इस पर्टिकुलर मंथ में 10 से 12 स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूं, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया, या नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो गया, ठीक है ना, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, या थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन हो गया, ऐसे एक 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 टॉपिक्स पर जो एक लेक्चर में कंक्लूड हो सकते हैं, मैं खुद 10 से ज़्यादा 12 के आसपास स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूँ। और स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन करके, क्योंकि उसमें आपको इनिशियली सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता, यू कैन गेट एन वन हैंड एक्सपीरियंस। तो एक बार आप उसको देख करके आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि एक्चुअली प्लस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके का एक्सपीरियंस हमें मिलता है और उसके क्या क्या एडेड बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो प्लस सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ, मैं आ रहा हूं ठीक 7 बजे। 7 बजे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इररेगुलरिटीज हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर ड्यूरेशन कम हो गया या ज्यादा हो गया तो डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा, फॉलिकुलर फेज क्या है, ल्यूटियल फेज क्या है, सीक्रेटरी फेज क्या है, ओवुलेटरी फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, ओवेरियन साइकिल क्या होता है, यूटेराइन साइकिल क्या होता है, सब पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक 7 बजे हम लोग मिलेंगे हमारे इवनिंग के सेशन में। और उससे पहले जो बच्चे प्लस को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आई विल बी देयर एट शार्प 4:30, ठीक 30 मिनट के बाद मैं वहां पर क्लास ले रहा हूँ। सो सी यू ऑल, गुड बाय।